हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं टुनाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, किस एनर्जी में रहने वाले हैं आज रात ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चलने वाला है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है द लवर्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं थ्री ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वांड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, और साइन है एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन है मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिलने वाली है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो आज रात ये पर्सन काफ़ी दुखी रहने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपका साथ तो छोड़ दिया है और थर्ड पार्टी का हाथ थाम लिया है। तो यहाँ पर ही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नज़र आ रहा है। आपके इनके रिलेशनशिप में पास्ट में सब कुछ सही था, बट धीरे धीरे थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की नज़दीकियाँ जब बढ़ने लगीं तो आपके रिलेशनशिप में भी फ़ाइट्स होने लगी हैं और आपका पर्सन ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बना हुआ है। आपका पर्सन आपसे बात नहीं करता, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों ही काफ़ी दुखी और परेशान नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है और आप अपने पर्सन की वजह से परेशान हैं, यहाँ पर क्लियर नज़र भी आ रहा है। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये रिलेशनशिप आपका ट्विन फ्लेम जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द लवर्स का कार्ड आया है और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कार्ड कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इसलिए एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप दोनों की जो हैबिट्स हैं सेम हैं, एक जैसी हैं। आप ना तो अपने पर्सन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हैं और ना ही आपका पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहा है। यहाँ पर आप दोनों एक जैसे हैं और एक जैसे होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल से बने हैं और इसलिए आपका पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पाता है। और आपसे ये पर्सन जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन भी इस पर्सन की आपसे पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और ये इस रिलेशनशिप में नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद आपका पर्सन आपको मिस बहुत करता है और इसीलिए आपकी वजह से इस पर्सन ने आपको जेलिसी फील कराने के लिए थर्ड पार्टी का हाथ थामा है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच भी बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं आपको लेकर, तो ये पर्सन आपको जलाने के लिए थर्ड पार्टी के साथ में है और थर्ड पार्टी ये आपके पर्सन के इरादे समझ चुकी है, इसलिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच भी बहुत सारी फाइट्स चल रही हैं। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों के बीच बहुत प्यार है और यही वो प्यार है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और आप दोनों एक दूसरे से जो सब कुछ चाहते हैं वो सारा कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका पर्सन आपको जलाने के लिए थर्ड पार्टी के साथ में है। तो थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में रखकर ये आपको जेलेसी फील कराना चाहते हैं ताकि आप इस पर्सन के लिए तड़पें, रोएं, गिड़गिड़ाएं और वो सारी चीज़ें करें जो ये पर्सन आपसे चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं। इसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है। ये पर्सन आपसे शादी के ख्वाब भी देखता है, शादी करना चाहता है, पर शादी करने से पहले ये पर्सन आपको पूरे कंट्रोल में रखने की प्लानिंग कर रहा है। ये पर्सन चाहता है आप इसके पूरे कंट्रोल में रहें ताकि ये पर्सन जैसे जब जो चाहे वो कर सके, अपनी जिंदगी के फैसले इस तरह से ले सके जिसमें आप इस पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर ना कर सकें। ये पर्सन अपनी लाइफ को इसी तरह इंजॉय करता रहे जैसे पहले ये पर्सन करते रहे हैं, इसीलिए इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुना है आप पर ताकि आप जेलेसी फील कर सकें। और यही जेलेसी फील कराने के चक्कर में ये पर्सन इस बुरी तरह
से थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गया है ना कि थर्ड पार्टी अब इसको रुला रही है, तड़पा रही है, बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं। देख रहे ना, थ्री ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ वांड्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कितनी सारी फाइट्स हो रही हैं। ना तो अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहा है और ना ही आपको पूरी तरह से अपना पा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और आज रात आपका पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचने वाला है। जहाँ पर ये पर्सन स्टक हो गए हैं ना, वहाँ से निकलने के बारे में सोचेंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के बारे में सोचने वाले हैं आज रात। क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत तंग आ गया है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन का दिल का सुकून बिल्कुल ही जैसे कि ख़त्म हो गया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सा महसूस करने वाले हैं आज रात। इस पर्सन को एहसास होगा इस चीज़ का कि इस पर्सन ने आपको जेलसी फील कराते कराते अपनी ज़िंदगी को ही जैसे कि एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है। ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन ने ख़ुद को ट्रैप कर लिया है जहाँ पर इस पर्सन का अब निकल पाना कितना मुश्किल हो रहा है। ये एहसास इस पर्सन को पहले नहीं था, जब इस पर्सन ने आपको जेलसी फील कराने के लिए थर्ड पार्टी का हाथ थामा था, तो इस पर्सन को पहले ये एहसास नहीं था। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये पर्सन तो इन्जॉय करते रहेंगे, अपनी लाइफ को जीते रहेंगे, आप इस पर्सन की यादों में तड़पते रहेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस पर्सन को जैसे कि इस पर्सन का कर्मा ही मिल रहा है, ऐसा इस पर्सन को आज रात फील होने वाला है। जैसे जैसे रात बढ़ती चली जाएगी, आधी रात के उस वक्त में इस पर्सन को आपकी बहुत शिद्दत से याद आएगी। आपके साथ बिताए हुए लम्हे जब इस पर्सन को याद आएंगे, जब इस पर्सन को आपका प्यार याद आएगा, जब ये दिल से आपके बारे में सोच कर फील करेंगे आपको ना, तो ये पर्सन एहसास कर पाएंगे इस चीज़ को कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत गलत कर दिया है आपके साथ। इस पर्सन ने जो कुछ भी पास्ट में किया है ना, वो गलत है और सही नहीं है। तो इस पर्सन ने आपके साथ गलत करने की चक्कर में अपने साथ ही बहुत कुछ गलत कर लिया है। और आज रात इस पर्सन को अपनी की गई गलतियां एक एक करके जब रियलाइज़ होंगी, जब याद आएंगी ना, तो ये पर्सन बहुत तड़पेगा, बहुत रोएगा और थर्ड पार्टी से बस कैसे भी करके मूव ऑन कर ले, यही प्लानिंग करने वाला है। तो यहाँ पर देख लेना थ्री ऑफ सोर्स किस बुरी तरह से इस पर्सन का हार्ट ब्रेक होने वाला है आज रात। और इस पर्सन ने जब से थर्ड पार्टी को चुना है ना अपने लिए, इस पर्सन की रातों की नींद ही जैसे कि ख़त्म सी हो गई है। रातें जागते हुए गुजर रही हैं इस पर्सन की, और इस पर्सन के दिल दिमाग में फाइट सी मची रहती है। जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुनकर सारे जितने भी रिलेशन थे ना इस पर्सन की अपनी ज़िंदगी में, उनको भी अपने से जुदा कर दिया है। जैसे कि सारे ही लोगों को खफा कर दिया है अपने आप से, ऐसा इस पर्सन को आज रात फील भी होने वाला है। और इस पर्सन के लिए आपका जो प्यार है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये पर्सन जानता है ये चीज़ कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आपको इस पर्सन ने बहुत दर्द दिया, बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफें दी, इसके बावजूद भी आपका इस पर्सन के लिए प्यार कम नहीं हुआ। आज भी आप चाहते हैं कि आपका पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, जो सपने आपने मिलकर देखे थे उन्हें आप पूरा कर सकें। तो ये पर्सन इस चीज़ को एहसास करेगा कि आप आज भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, और यही वो मेन वजह है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को बाय बाय कह के आपकी ज़िंदगी में वापस आने का सोचने लग गए हैं। और ये फाइट जो थर्ड पार्टी के साथ में इस पर्सन की हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये पर्सन अब निकलना चाहता है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहता है ये पर्सन। और यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और द लवर्स का कार्ड, इन दोनों ही कार्ड्स को देखकर मैं कह सकती हूँ कि आपका पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आप दोनों एक दूसरे की ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए ज़्यादा दिन तक ये पर्सन आपसे जुदा नहीं रह पाएंगे। और आज रात ये जुदाई इस पर्सन को बहुत तड़पाएगी, और यही वो वजह है कि ये जो तड़प इस पर्सन में आज रात होने वाली है ना, आपकी तरफ इस पर्सन को ले ही आएगी। ओके व्यूअर्स, तो आज रात आपका पर्सन आपके बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाला है। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।